मध्य प्रदेश का सियासी ड्रामा लगातार बढ़ता जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान हैं कि सरकार की वापसी की कोशिश में लगे हैं, तो वहीं कमलनाथ हैं कि कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। अब दिग्विजय सिंह भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया। ये एमपी की सियासत की ड्रामा का अलग ही अंदाज है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बुधवार को बागी कांग्रेस विधायकों से मिलने के लिए बेंगलुरु के रिजॉर्ट पहुंचे। वो वहां पर कांग्रेस के बागी विधायकों से मिलने पहुंचे थे, हालांकि पुलिस ने उन्हें विधायकों से मिलने नहीं दिया और एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया। हालांकि उन्हें थोड़ी देर में छोड़ भी दिया गया। उनके साथ में कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डी के शिव कुमार भी थे। फिलहाल उन्हें हिरासत में नहीं रखा गया है। दिग्विजय सिंह बुधवार सुबह बेंगलुरु के उस रिजॉर्ट पहुंचे जहां पर 21 बागी विधायकों को रखा गया है। कथित तौर पर पुलिस ने उन्हें विधायकों से मिलने नहीं दिया, जिसके बाद वो होटल के बाहर ही धरने पर बैठ गए। उनके साथ में डीके शिवकुमार सहित पार्टी के कई बड़े नेता थे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम विधायकों के वापस आने की उम्मीद कर रहे थे। मैंने व्यक्तिगत रूप से 5 विधायकों से बात की है। उनका कहना है कि उन्हें कैद करके रखा गया है और उनके फोन भी छीन लिए गए हैं। आप देख रहे हैं हम लोग और मैं एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह जो कि राज्यसभा के इलेक्शन का कैंडिडेट हूँ। 26 तारीख को वोटिंग है। मेरे 22 MLA यहाँ पर रोके हुए हैं। वो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। उनके फोन छीन लिए गए हैं, ठीक है। पुलिस वाले उनसे बात भी नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है। कहते हैं उनको सिक्योरिटी थ्रेट है, ठीक है। मैंने कहा मैं गांधीवादी आदमी हूँ, मेरे ऊपर 5 न बम है, न हथियार है, न पिस्तौल है, न राइफल है, ठीक है। मुझे अकेले ले जाएं, ठीक है। उनसे मिलवा दें, मुझे संतुष्टि हो जाएगी, मैं वापस चला जाऊंगा, ठीक है। उसमें क्या आपत्ति है? हर कमरे के बाहर पुलिस तैनात है, 24 घंटे उन पर नजर रखी जा रही है। इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 16 विधायकों को कब्जे में रखा है। साथ ही याचिका में कहा गया है कि 16 विधायकों की अनुपस्थिति में बहुमत परीक्षाएं नहीं हो सकती हैं। साथ ही याचिका में कहा गया है कि 16 विधायकों की अनुपस्थिति में बहुमत परीक्षण नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल के निर्देश पर भी सवाल उठाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार पहले ही सदन में बहुमत खो चुकी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार को आदेश दे कि वो मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को 16 विधायकों से मिलने और बात करने की इजाजत दे, जो कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। इस तरीके से कांग्रेस के 16 विधायकों को बंधक रखना गैर कानूनी, असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 और कानून के शासन के खिलाफ है। कांग्रेस ने अदालत से कहा कि 15वीं मध्य प्रदेश विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में भाग लेने के लिए विधायकों को सक्षम किया जाए, अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे कि विश्वास मत तभी हो सकता है जब 15वीं मध्य प्रदेश विधानसभा के सभी निर्वाचित विधायक उपस्थित हों। सुप्रीम कोर्ट से आदेश मांगा गया है कि राज्यपाल के निर्देश को अवैध, असंवैधानिक घोषित किया जाए। देखना होगा कि एमपी में जारी सियासी उठापटक आखिर कब थमती है और कब साफ होता है। ये वहाँ पर ऑपरेशन लोटस कामयाब हुआ है या फिर कमलनाथ ने अपनी सत्ता का कमल नहीं मुरझाने दिया। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।